हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सेल 2016। एंड आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली जानते हैं यूजिंग फंक्शन टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशन को करने के लिए फंक्शन का यूज करना मींस, यदि हम बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन का कैसे यूज करना है ये जान लेते हैं। कैलकुलेशन डन यूजिंग फॉर्मूलाज कैन बी एट टाइम अ बिट टायरसम। फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेशन को करना थोड़ा सा थकाने वाला हो सकता है। मींस, यदि आप कैलकुलेशन फॉर्मूला का यूज करके कर रहे हैं तो थोड़ा सा टायरसम हो सकता है। Therefore, Microsoft Excel has an entire library of function or predefined formula. इसीलिए Microsoft Excel में पहले से ही डिफाइंड फॉर्मूला या फंक्शन की पूरी लाइब्रेरी होती है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन बाई यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में स्पेसिफिक वैल्यू का यूज करके, एक विशेष वैल्यू का यूज करके कैलकुलेशन को करते हैं। मीन्स, ये जो फंक्शन या प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं ये एक विशेष वैल्यू का यूज करके कैलकुलेशन को करते हैं। द ऑर्डर इन विच यू इंसर्ट अ फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। जो फंक्शन में आप ऑर्डर को इंसर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स, आप जो ऑर्डर डिफाइन करते हैं उसमें कि किस तरह से आपको फंक्शन को चलाना है, उस ऑर्डर को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। ईच फंक्शन हैज़ अ सिंटैक्स विच मस्ट बी फॉलोड इफ यू वॉन्ट द फंक्शन टू वर्क करेक्टली। प्रत्येक फंक्शन में एक सिंटैक्स होता है जिसको यदि आप अपने फंक्शन को करेक्टली वर्क कराना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो करेक्टली वर्क करे, तो उसके लिए उस सिंटैक्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ईच फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन फॉलोड बाय। प्रत्येक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन होता है वो सभी फंक्शंस जो होते हैं वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। मींस, यदि आप कोई भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो उसके आगे आपको इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी होता है। अब ये फंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट है फंक्शन नेम एंड सेकंड है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मींस, जब फंक्शन इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। इसमें फंक्शन का नेम होता है, जो भी फंक्शन आपने कैलकुलेट करने के लिए करना है यूज़, वो फंक्शन का नाम आ जाता है। देन फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या होता है, इट इज़ द इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप फॉर्मूला में कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मीन्स, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है फंक्शन आर्ग्यूमेंट में। ईच फंक्शन रिसीव्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रत्येक फंक्शन में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव होता है। मींस, एक विशेष प्रकार का आर्ग्यूमेंट होता है जो फंक्शन में रिसीव होता है, विच कैन बी नंबर्स, टैक्स, डेट और लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जो क्या हो सकते हैं, या तो नंबर हो सकते हैं, डेट हो सकती है, टैक्स हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकती है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स भी हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट में। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है इक्वल टू साइन लगाने के बाद पैरेंथेसिस में आपको यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाया, यहाँ पर आपने फंक्शन का नेम लिखा और यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट लिख दिया। ये होता है आर्ग्यूमेंट और ये होता है फंक्शन का नेम और ये आ जाता है इक्वल टू का साइन और ये पैरेंथेसिस में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना होता है। व्हाइल यूजिंग फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड, दे आर एज फॉलोज। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रूल है, ऑल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। सभी फंक्शन जो होते हैं वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होने चाहिए। सेकेंड है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी एनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स। जो भी फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है उसे ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, मींस ब्रैकेट से ही एनक्लोज किया जाता है। देखिए, जहां पर ये दिखाया गया आर्ग्यूमेंट, इसे ब्रैकेट से एनक्लोज किया गया है। नेक्स्ट है, द आर्ग्यूमेंट आर मेंशन यूजिंग अ कोलन इन केस ऑफ रेंज। और यदि आप रेंज ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोलन का यूज करके ही आर्ग्यूमेंट को मेंशन करना है। मींस, जो आर्ग्यूमेंट मेंशन किए जाते हैं वो कोलन का यूज करके किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, रेंज दिखाई गई है, A2 और A5 की रेंज दी गई है, लेकिन उसके बीच में एक कोलन लगा दिया गया है, कोलन का सिंबल लगाया गया है, जिससे कि यहाँ पर रेंज को डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है, इक्वल टू का साइन लगा के सम लगा लिखा गया फंक्शन का नेम एंड बिफोर कॉलन B8 और इन्हें पैरेंथेसिस में लिखा गया है। इसका मींस क्या है, विल कैलकुलेट द सम ऑफ सेल रेंज फ्रॉम B4 टू B8। इससे क्या होगा, यहाँ पर सम फंक्शन क्या करेगा, जो B4 से लेकर B8 तक की जो सेल रेंज ली है हमने उसमें सम को कैलकुलेट करेगा। मींस, वो इन
बी4 टू बी8 तक के सेल्स की सम कर देगा। सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, देखिए बता भी दिया है जो मैंने आपको बताया है, सम फंक्शन का नेम है। एंड बी4 टू बी8 इंडिकेट्स द सेल रेंज, बी4 कॉलन बी8 क्या करता है, सेल रेंज को इंडिकेट करता है, विच रेफर्स टू द सेल फ्रॉम बी4 टू बी8, जो कि बताता है कि बी4 से लेकर बी8 तक के सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है, मीन्स उनकी रेंज ली है। दिस फंक्शन एड्स द वैल्यू गिवन इन द सेल, ये फंक्शन क्या करेगा, ये सेल्स जो दिए गए हैं जैसे कि बी4, बी5, बी6, बी7 और बी8 जो सेल्स दिए गए हैं उनके वैल्यू को ऐड करता है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो टोटल आता है उसको डिस्प्ले करता है। व्हेन मल्टीपल सेल रेंज आर टू बी रेफर्ड, जब हमें मल्टीपल सेल रेंज लेनी है, मींस मल्टीपल सेल रेंज का मींस हो जाता है कि आपने बी4 सेल ले लिया, उसके बाद बी8 ले लिया, उसके बाद बी7 ले लिया, बी6 ले लिया या सी2 ले लिया, इस तरह से जब अलग अलग सेल्स को हमें लेना होता है, द सेल रेंज शुड बी सेपरेटेड बाय अ कोमा, तब हमें सेल रेंज को कोमा में सेपरेट करना होता है, मीन्स तब हमें कोमा लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दिखाया गया यहाँ पर काउंट, यहाँ पर काउंट का फंक्शन है, फंक्शन नेम है C5 कॉलन C10 लिया गया, उसके बाद एक कोमा लगाया गया, दूसरी रेंज ली गई है C16 कॉलन C20 और उसके बाद केवल C29 सेल को लिया गया है। इस तरह से कोमा से डिफाइन कर दिया गया है अलग अलग सेल रेंज को। एंड विल काउंट ऑल द सेल कंटेनिंग न्यूमेरिक एंट्रीज इन द 3 आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन पैरेंथेसिस। अब देखिए जो काउंट फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये जो सेल्स होते हैं जिनमें कुछ वैल्यू लिखी होती है उन सेल्स को काउंट करता है, तो जिनमें भी न्यूमेरिक एंट्री होगी उन सेल्स को ये काउंट करेगा, और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं जो कि पैरेंथेसिस में ही इंक्लूड किए गए हैं और कोमा के साथ दिखाए गए हैं। नाउ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टॉपिक को समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हैं। फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं वो पहले से ही डिफाइन किए गए फार्मूलाज होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए सम विल एड द नंबर इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल, जो सम होता है फंक्शन वो सेल की रेंज में जो दी जाती है सेल की रेंज उसमें नंबर्स को ऐड करता है, जो भी वैल्यू उसमें दी जाएगी उसको ऐड करता है। टू यूज़ अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉलो दिस स्टेप, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1 क्या रहेगा, सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल बी अपेयर। अब सबसे पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जहां पर भी आपको आंसर अपेयर करना है, मीन्स जहां भी आंसर लेना है, जहां भी आपको टोटल निकालना है, ऐड करना है, उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा टाइप द इक्वल टू साइन, अब आपको इक्वल टू साइन टाइप करना होगा, देन एंटर द फंक्शन नेम, और उसके बाद फंक्शन नेम को एंटर करना होगा जैसा कि फिगर 2.5 में दिखाया गया है। यहां पर सम किया हमने तो इक्वल टू का साइन लगा के हमने सम लिया। देन स्टेप 3 है एंटर द सेल फॉर द आर्ग्यूमेंट इनसाइड द पैरेंथेसिस, अब हमें पैरेंथेसिस स्टार्ट करने होंगे और उस पैरेंथेसिस के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट को डालना होगा, जो भी सेल के आर्ग्यूमेंट होंगी उन्हें एंटर करना होगा। देन स्टेप 4 प्रेस द एंटर की, अब हमें एंटर की प्रेस करनी होती है। इस तरह से हमारा ये सम फंक्शन ऐड करके दे देता है, जो भी हमारी उन सेल्स में जो रेंज ली है उसमें वैल्यू होती है या फिगर होती है उसे वो ऐड कर देता है। नेक्स्ट है यूजिंग ऑटोसम, ऑटोसम का यूज करना। द ऑटोसम कमांड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली शो द रिजल्ट फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स फॉर कॉमन फंक्शन। अब ये ऑटोसम कमांड क्या होती है, ऑटोसम कमांड कॉमन फंक्शंस के लिए सेल की रेंज के लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखाने की अनुमति देती है। मीन्स ऑटोसम क्या होता है, ऑटोसम कॉमन फंक्शंस के लिए होता है। कॉमन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज एटसेट्रा, जितने भी सम, एवरेज, काउंट या मैक्स, मिनिमम, ये कॉमन फंक्शन होते हैं जिनका यूज एक्सेल की शीट पर होता रहता है। तो जिन फंक्शंस का यूज एक्सेल की शीट पर कंटिन्यूअसली होता रहता है उन्हें कॉमन फंक्शन बोलते हैं। तो कॉमन फंक्शन के लिए रेंज जो होती है वो ऑटोमेटिकली ये ऑटोसम कमांड अलाउ करती है। इसमें देखिए किस तरह से ऑटोसम लगता है उसे समझ लेते हैं, स्टेप 1 जानते हैं। स्टेप 1 में बताया गया है कि सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल अपेयर, अब आपको सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको आंसर लाना है, अपेयर करना है। जैसे कि हमने सम का फंक्शन लगाया था तो उसके लिए भी हमने एक सेल सेलेक्ट किया था जिसमें हमें आंसर देखना है, तो जहां पर भी आपको आंसर अपेयर करना है उस सेल को सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक द ऑटोसम ड्रॉप डाउन एरो, अब आपको होम टैब में जाकर एडिटिंग ग्रुप में जाना होगा और वहां पर ऑटोसम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होता है जैसा कि फिगर 2.6 में दिखाया गया है। ये देखिए यहां पर ये होम टैब है, इसमें जो हमारा एडिटिंग ग्रुप है उसके अंदर ये ऑटोसम का ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, उसे ओपन करते ही यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन, कॉमन फंक्शन आ जाएंगे। देन स्टेप 3, सेलेक्ट द फंक्शन यू वांट, अ फॉर्मूला विल अपेयर इन द सेलेक्टेड सेल, अब आपको फंक्शन को सेलेक्ट करना है जो भी आप फंक्शन लगाना चाहते हैं।
एक फॉर्मूला अपेयर हो जाएगा सेलेक्ट सेल में, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है सेल। देन क्या होगा, इसमें जो फंक्शंस होंगे उन्हें समझ लेते हैं, क्या क्या फंक्शन आते हैं कॉमन फंक्शन में। सम, सम क्या करता है, इट इज़ अ डिफॉल्ट ऑप्शन ऑफ ऑटोसम फीचर। ये ऑटोसम फीचर का डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, मीन्स जब आप ऑटोसम खोलते हैं तो उसमें सम जो होता है वो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इट एड्स द नंबर इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल, ये दी गई रेंज जो सेल की रेंज होती है दी जाती है उसमें नंबर्स को ऐड करता है। एवरेज क्या होता है, इट कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल, सेल की दी गई रेंज में ये एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है काउंट नंबर, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद वैल्यू इन इट, ये उन सेल्स की वैल्यू को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं, बाकी सेल्स को चाहे वो टेक्स्ट वाले सेल्स हों या फिर ब्लैंक सेल हों उन्हें ये काउंट नहीं करता है, केवल ये नंबर्स को काउंट करता है। नेक्स्ट है मैक्स, इट शोज द हाइएस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज ऑफ सेल, ये सेल की रेंज जो दी जाती है उसमें हाइएस्ट वैल्यू को शो करता है। एंड मिन, इट शोज द लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज ऑफ सेल्स, ये दिए गए सेल की रेंज में जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको शो करता है। एंड देन स्टेप फोर में बताया गया है प्रेस द एंटर की एंड रिजल्ट विल अपेयर। अब आपने जो भी ऑटोसम फंक्शन लगाया है, ऑटोसम, ऑटो एवरेज, ऑटो काउंट नंबर या ऑटो मैक्स मिन, जो भी लगाया है उसमें आप लगाने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी होती है, उससे आपका रिजल्ट अपेयर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी फाइव में बताया गया है कि ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल फंड कलेक्शन। यहाँ पर आपको फाइल फंड कलेक्शन एक्सेल की शीट खोलनी है जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। एंड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन 18, और यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट कलेक्ट जो 18 में हुई है उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन बाय 6 ग्रुप फॉर ईच एक्टिविटी, आपको प्रत्येक एक्टिविटी के 6 ग्रुप में द्वारा एवरेज कलेक्शन को कैलकुलेट करना है। एंड देन कैलकुलेट द मैक्सिमम कलेक्शन फॉर ईच एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी की मैक्सिमम कलेक्शन को कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द मिनिमम कलेक्शन फॉर ईच एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी के लिए मिनिमम कलेक्शन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर नोट दिया गया है, समटाइम्स यू मे नीड टू मैनुअली चेंज द आर्ग्यूमेंट, कभी कभी आपको मैनुअली चेंज करना होगा आर्ग्यूमेंट को। एंड यहाँ पर टेक हेल्प में भी बताया गया है, टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल इन अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला में नॉन एडजेसेंट सेल की रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। नॉन एडजेसेंट सेल क्या होता है, जो सेल बिल्कुल लगा हुआ नहीं है सेल से उसे नॉन एडजेसेंट सेल बोलते हैं। तो यदि किसी भी अलग सेल को, जैसे कि आप C2 सेल पर हैं, अगर उसका एडजेसेंट सेल देखें तो C3 होगा, बट यदि उसका नॉन एडजेसेंट सेल देखें तो जैसे कि T2 या फिर D5 या फिर C15, ये इसके नॉन एडजेसेंट सेल हो जाएंगे। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेपरेट ईच सेल एड्रेस बाय कोमा, आपको प्रत्येक सेल एड्रेस को कोमा से सेलेक्ट करना होगा सेपरेट। एंड फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए दिखाया गया मैक्स, जैसे कि अगर आपको मैक्स निकालना है तो आपने A2 को लिया, देन C4 कोमा लगा के लिया, देन कोमा लगा के D5 लिया। इस तरह से आप नॉन एडजेसेंट सेल को अलग अलग रेंज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोमा का यूज करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम सम करना सीखेंगे, तो उसके लिए हम एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक्सेल की शीट ऑलरेडी ओपन की हुई है, फंड कलेक्शन वाली शीट है हमारी। तो उसमें सबसे पहली शीट 1 पर हम देखते हैं, यहाँ हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया है। देन यहाँ पर SUM सम फंक्शन का नेम लिख दिया है। देन पैरेंथेसिस ओपन किया, एंड यहाँ पर हमें नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश एंड मैथ्स एंड साइंस ये सभी सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया। एक तो तरीका होता है कि हम माउस का कर्सर, माउस की रेंज ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा सेल एड्रेस है। तो हमें देखना होगा सी, तो हमारा कॉलम है और 3 रो है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे C3 एंड कॉलन लगाएंगे। एंड C3 से कहाँ तक चाहिए हमें, F3 तक, सो हम F3 लिख देंगे यहाँ पर। एंड देन देखिए दोनों सेलेक्ट हो, सभी सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर, C3 टू F3, और इसको शिफ्ट के साथ हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। अब यदि आप इसको आगे तक लेना जाना चाहते हैं, सभी सेल्स में डालना चाहते हैं इस कैलकुलेशन को, तो आपको सीधे सीधे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको या तो कॉपी करके पेस्ट करना होगा, या फिर दूसरा तरीका है फिल हैंडल का यूज़ करके आप कर सकते हैं। फिल हैंडल के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पर जाना होगा, और यहाँ पर बॉक्स है, इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। यदि आपने फिल हैंडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। तो यहाँ पर हमने सम कर दिया है।
इस तरह से आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूला बॉक्स में जाके हम देखते हैं, फॉर्मूला बार में यहाँ पर इक्वल टू का हमने साइन लगाया, देन सम लिखा, फंक्शन का नेम, एंड देन पेरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज किया और उसके बीच में हमने सेल रेंज दिए, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और अब जानेंगे हम, ये देखिए हमारी फंड कलेक्शन की शीट है ये, इस शीट पर हम जानेंगे एवरेज निकालना, मैक्सिमम मिनिमम काउंट करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट को डिलीट कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में हमने समझाई थी तो इसलिए इसमें अमाउंट लिखी हुई थी। अब यहाँ पर हम एक कॉलम और बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं एवरेज, एंड देन नेक्स्ट में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम मैक्स, मैक्सिमम, एंड यहाँ लिखते हैं मिनिमम, एंड यहाँ पर कर देते हैं काउंट। ये सभी हमारे ऑटो जो ऑटो सम वाला ऑप्शन है इसका यूज करेंगे हम इसमें, और इसमें हम जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उन्हें समझेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे, वो भी ऑटो सम फंक्शन का यूज करके। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ रिजल्ट निकालना है, तो उस सेल पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हम ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसने यहाँ पर रेंज दे दी है और रेंज हमें दे रहा है ये ग्रुप 6 से भी आगे तक, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको सेलेक्ट करके इसे यहाँ तक एडजस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर करेंगे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, ऑटो सम का यूज करके एंटर कर देंगे तो देखिए इसने निकाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर ऑटो सम करेंगे तो देखिए एंटर करेंगे, अब यहाँ ऑटो सम ये ऊपर दिखा रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा, देन बाहर क्लिक करेंगे, एस्केप कर देंगे हम यहाँ से। देखिए जब हम किसी फंक्शन में फंस जाते हैं तो आपको इसको भी जानना है। सपोज आप, मैं आपको वापस लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने ऑटो सम किया एंड ऑटो सम करके हम एंटर करके नीचे आए और हमने यहाँ पर अगेन ऑटो सम किया, तो देखिए यहाँ इन दोनों को ऑटो सम कर रहा है। अब हमें इस फंक्शन से बाहर निकलना है तो हमें अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पर एस्केप बटन सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर का बटन होता है, उसे प्रेस कर दीजिए तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। नाउ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से ड्रैग करने के बाद हम नीचे तक इसका आंसर ले आते हैं। एंड नाउ जानते हैं अब एवरेज फंक्शन को कैलकुलेट करना कॉमन फंक्शन के द्वारा। तो उसके लिए हमें अगेन होम टैब में जो ये एडिटिंग ग्रुप है इसमें जाना होगा एंड यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड एवरेज पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम एवरेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें अमाउंट का एवरेज नहीं निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पर एडिटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए L2 लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2। तो हमें रेंज लेनी है C2 से H2 तक। देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है C2 से H2 तक, देन एंटर, तो ये इसका एवरेज निकाल देगा। अब इसको भी हम फिल हैंडल से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं और ये देखिए एवरेज निकल चुका है। देन मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए हमें यहाँ पर अगेन ऑटो सम में जाना होगा एंड यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके मैक्स पर क्लिक करेंगे। मैक्स पर क्लिक करने के लिए हमें मैक्सिमम अमाउंट जो निकालनी है वो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक निकालनी है, तो हमें अगेन यहाँ पर लिखना होगा, J2 आ चुका है यहाँ पर सेलेक्ट होके, तो हम लिखेंगे इसको H2 एंड देन एंटर। तो यह मैक्सिमम इसने अमाउंट दिखा दिया, देखिए देख लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम 500 ही है क्या, ग्रुप 1 में 500 है, ग्रुप 2 में 415 है, 3 में 245 एंड 310, देन 490, देन 355। तो हाईएस्ट जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 500 है, तो इसने दिखा दी। इसी तरह से अब हम इसे फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे और नीचे तक निकाल देंगे, सभी ग्रुप्स की यहाँ पर निकल जाएगी देखिए, और सभी नेम्स की निकल जाएगी यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू। देन मिनिमम करेंगे, मिनिमम के लिए हमें अगेन यहाँ ऑटो सम में जाना होगा और यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके हमें यहाँ पर मिन पर क्लिक करना होगा एंड मिन पर क्लिक करके यहाँ से हमें रेंज को अगेन चेंज करना होगा, H2 तक हमें रेंज लेनी होगी क्योंकि H2 तक हमारे ग्रुप 6 है एंड देन एंटर। और ये सबसे छोटी जो लोएस्ट अमाउंट है, लोएस्ट जो फिगर है वो दिखाएगा, ये देखिए यहाँ पर 245 सबसे छोटी है इसलिए इसने दिखाया एंड यहाँ पर हम इसे फिलहैंडल करेंगे। और देखिए इसमें सबसे छोटी अमाउंट है 100, देन इसमें सबसे छोटी है 200 एंड देन 80, तो इस तरह से इसने दिखा दिया है। नाउ काउंट करते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं ये, सो उसके लिए हमें यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाना है, उसके लिए हम कॉमन फंक्शन में जाएंगे ऑटो सम में एंड यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करके काउंट नंबर्स पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ भी हमें रेंज देनी होगी H2, क्योंकि हमारे पास ग्रुप जो है वो 6 हैं तो इसे 6 दिखाना चाहिए एंड देन एंटर। तो देखिए इसने 6 ग्रुप दिखाए और ये सभी के 6 ग्रुप दिखाएगा क्योंकि
ये काउंट कर रहा है ओनली। तो इस तरह से हम काउंट का मिनिमम मैक्सिमम एवरेज फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। और यदि हमें नॉन एडजेसेंट सेल को कैलकुलेट करना है सम में, तो उसे भी समझ लेते हैं। मैं यहीं पर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया एंड सम किया, एंड देन फंक्शन लगाने के बाद हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पैरेंथेसिस में लिखना है। सो पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देते हैं, एंड देन मुझे ग्रुप 3 का 245 और ग्रुप 5 का 490 ऐड करना है। तो हमें इसका सेल एड्रेस देखना होगा। इसका सेल एड्रेस बैठ रहा है E2 एंड इसका बैठ रहा है G2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, E2 कॉमा G2। तो इस तरह से हमने कोमा से डिफाइन कर दिया। नॉन एडजेसेंट सेल को ऐड करने का तरीका यही होता है। यहाँ I5 को ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोमा लगा के लिखना होगा I5 एंड देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसने तीनों का ऐड कर दिया है, 245, 490 एंड I5 में 850 फिगर है। तो इसका टोटल आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट निकालेगा ये। इस तरह से हम नॉन एडजेसेंट सेल को भी ऐड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।